जम्मू कश्मीर के बडगाम में कल सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, लेकिन मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना पड़ा। एक तरफ जहां पर आतंकियों की गोली थी तो दूसरी तरफ पत्थरबाजों का पत्थर था। जी हां, मुठभेड़ के दौरान पत्थरबाजी कर रहे तीन लोगों की सुरक्षा बलों की गोली से मौत हो गई है। तो इसी को लेकर आज अलगाववादियों ने देश के उन दुश्मन पत्थरबाजों के समर्थन में कश्मीर बंद बुलाया है। अलगाववादियों के इस बंद को देखते हुए बड़गाम के चादुरा और रंगरेट, श्रीनगर के पुराना शहर और साथ ही पुलवामा, शोपिया में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज, अलगाववादी जो चाहते हैं कि वहां के युवा पढ़े लिखे ना, और उसी का असर आज दिखेगा इस बंद के बाद। कश्मीर यूनिवर्सिटी की परीक्षा को टाल दिया गया है, हालांकि तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इसके अलावा कश्मीर में रेल सेवा को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि कुछ जगह पर अगर आप सोच रहे हैं आज आप रेल से यात्रा करेंगे तो आपको अपनी यात्रा को रोकना पड़ेगा। कल पत्थरबाजों के हमले में 60 से ज्यादा जवान घायल हुए थे। कश्मीर के बडगाम में कल सुबह करीब 6 बजे से ये मुठभेड़ शुरू हुई, जो कि शाम करीब 4 बजे तक चली। एक आतंकी तो मारा गया, लेकिन पत्थरबाजों की वजह से कुछ आतंकी भाग निकलने में कामयाब भी रहे, क्योंकि पत्थरबाजों ने उन्हें कवर दे रखा था। हालांकि जिस वक्त की वारदात हुई उस वक्त जी मीडिया रिपोर्टर मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन ये खबर पुष्ट है, सच्ची है, और इसीलिए इस खबर पर विश्वास आप कर सकते हैं। बडगाम में जो आतंकी मारे गए उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं, लेकिन कुछ देशद्रोही लोग इनके समर्थन में उतर आए हैं, और उसी समर्थन में अलगाववादियों ने कश्मीर बंद आज किया है। इस खबर में गवाह और एक्सपर्ट दोनों के बयान हैं, जो कि इसकी विश्वसनीयता को और बढ़ाते हैं। इसके साथ ही ये वीडियो भी सच्चा और सही है, क्योंकि ये न्यूज एजेंसी ANI ने हमें दिया है, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, और ANI के जरिए ही ये वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कश्मीर के बडगाम में कल सेना ने आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान बेकाबू पत्थरबाजों को रोकने के लिए पहले आंसू गैस के गोले दागे, हवाई फायरिंग की, लेकिन जब हालात नहीं सुधरे तो फायरिंग करनी पड़ी, और इसी में तीन पत्थरबाजों की मौत हुई, जिसके बाद आज अलगाववादियों ने बंद बुलाया है। कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों के हमदर्द बने पत्थरबाज। आतंकियों को बचाने के लिए सेना पर पत्थरबाजी। We had to fight it on two different platform. One was against the militant, and another was the local people. सेना के ऑपरेशन में पत्थर से हमला। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के चादुरा इलाके की हैं, जहां एक बार फिर पत्थरबाजों ने आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की। चादुरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। करीब 10 घंटे से ज्यादा समय तक चले एनकाउंटर में सेना को ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल करना पड़ा, और आखिरकार आतंकी मारा गया। बड़गाम में एक तरफ सेना आतंकी का सफाया करने में लगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ हाथों में पत्थर लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ एनकाउंटर की जगह पहुंच गए और सुरक्षा बलों पर पथराव करने लगी। पत्थरबाजों को रोकने और समझाने की हर कोशिश की गई, लेकिन पथराव रुका नहीं। खेतों से, सड़कों से, इलाके में हर तरफ से सुरक्षा बलों पर लोगों ने पत्थर फेंके, एनकाउंटर रोकने की कोशिश की। पथराव कर रही भीड़ में कई लड़के भी शामिल थे। हालात को संभालने के लिए जवानों को फायरिंग करनी पड़ी। फायरिंग में तीन पत्थरबाजों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर की CM महबूबा मुफ्ती ने कहा कि राज्य के युवाओं का आतंक के साथ जुड़ाव दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इसके बारे में तो आम लोग जो है उनको सोचना पड़ेगा
क्योंकि मिलिटेंसी यहाँ कई सालों से चल रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं, चाहे वो मिलिटेंट हो, चाहे सिविल इंडियो हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे पुलिस, पर उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तशद्दुद से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो भी कुछ हासिल होगा वो बातचीत से, अफहाम व तफहीम से होगा और अमन से हासिल होगा। आतंकियों से घाटी को बचाने में लगे और अपनी जान पर खेलकर लोगों की सुरक्षा में लगे जवान आतंकी की गोली से नहीं अपने ही लोगों की पत्थरबाजी से घायल हुए। पत्थरबाजी में सीआरपीएफ के 43 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 20 जवानों को चोटें आई हैं। I came to know 43 CRPF jawans they got injury and police reported that 20 of their men also were injured in the stone pelting today. सवाल ये कि हर कोई जानता है कि गोली इंसान और आतंकवादी में फर्क नहीं समझती। इसके बावजूद एनकाउंटर वाली जगह पर इतना बड़ा मजमा जुटने की जरूरत क्या है? आखिर लोग आतंकियों को हमदर्द बनाने पर क्यों तुले हैं? श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।